नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप IPO में अप्लाई करते करते थक गए हैं और आपको अलॉटमेंट नहीं मिल रहा है तो आपको वो कौन सी ट्रिक अपनानी चाहिए जिससे आपको अलॉटमेंट मिल जाए। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। देखिए, बहुत सारे IPOs आ चुके हैं और बहुत सारे IPOs आने वाले हैं और हर साल बहुत सारे IPOs आते हैं, लेकिन जो अच्छे IPOs होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, उसमें अलॉटमेंट का चांस बहुत कम होता है। लेकिन जिसको इसमें अलॉटमेंट मिल जाता है वो माला माल हो जाता है। तो भाई, हम अप्लाई तो करते हैं लेकिन हमें अलॉटमेंट नहीं मिलता है। हम बार बार अप्लाई करते हैं लेकिन लगातार कई IPOs में हमें निराशा ही हाथ लगती है और हमें IPOs अलॉट नहीं होते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई आप कौन सी ट्रिक अपनाएं जिससे आपको IPO तुरंत अलॉट हो जाए और आप जो अलॉटमेंट की प्रोबेबिलिटी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सकें। देखिए, 100% तो किसी की भी नहीं होती क्योंकि रैंडम अलॉट होता है और यहाँ पर आप मैक्सिमाइज ही कर सकते हैं, 100% बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने पहला जो नियम है वो आपको अपनाना है, वो है आप अप्लाई फॉर IPO एट सेकेंड डे नाइट। यानी कि आपको ऐसा उतावला नहीं होना है कि कोई भी IPO आया आपने तुरंत झट से अप्लाई कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको इंतजार करना है, पहले दिन का सब्सक्रिप्शन देखना है और फिर दूसरे दिन का सब्सक्रिप्शन पूरा देखना है। उसके बाद सेकेंड डे जब आप देखा होगा आपने कि ज्यादातर जो IPOs होते हैं उनका अलॉटमेंट यानी कि अप्लाई करने के लिए 3 दिन तक खुला रहता है। आपको पहले दिन नहीं अप्लाई करना है, दूसरे दिन भी आपको सुबह में या दोपहर में अप्लाई नहीं करना है, आपको उसमें अप्लाई करना है रात को, यानी कि सेकेंड डे रात को 9 बजे के बाद ही आपको उसमें अप्लाई करना है। यानी कि फर्स्ट डे का सब्सक्रिप्शन देखकर और सेकेंड डे का सब्सक्रिप्शन देखकर आपको अप्लाई करना है। देखिए, ये ट्रिक काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है और पिछले जो IPOs हैं जैसे राउट मोबाइल या कैमकॉन का IPO या जो भी IPOs आ चुके हैं, मैं बता दूँ आपको इस साल 12 IPOs आ चुके हैं और 12 में से कम 7-8 IPO में अप्लाई किया था। और मैं ज़्यादा अकाउंट से नहीं करता हूँ, मैं एक से ही करता हूँ। ये ट्रिक इतनी इफेक्टिव है कि अगर आप एक अकाउंट से भी करेंगे तो आपको अलॉट हो जाएगा। ये गारंटी तो नहीं देता लेकिन मैक्सिमाइज हो जाते हैं चांस। अब क्या कारण है इसका, कारण तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मैंने अप्लाई किया है तो पिछले जो 6 IPOs मैंने अप्लाई किए हैं उसमें से 4 या 5 IPOs में मुझे अलॉटमेंट मिला है। तो भाई, ये ट्रिक बहुत ज़्यादा काम करती है, आपको भी इस ट्रिक को अप्लाई करना चाहिए। देखिए, अप्लाई करने का जो समय है आपको सेकेंड डे यानी कि 3 दिन अप्लाई करने के लिए मिलते हैं, पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन। आपको दूसरे दिन दोपहर में और या सवेरे नहीं करना है, आपको दूसरे दिन शाम को यानी कि लगभग 9 बजे के रात को करना है, तुरंत ही ये एग्जीक्यूट नहीं होता है। आप इसको सब्सक्राइब करके छोड़ दीजिए या फिर इसमें अप्लाई करके छोड़ दीजिए, नेक्स्ट दिन अपने आप ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपके पास मैसेज आ जाएगा। अब देखिए, दूसरी सबसे बड़ी ट्रिक यहाँ पर जो बहुत सारे लोग हर वीडियो में आपको ये देखने को मिलेगा कि भाई ये ट्रिक आप अप्लाई करो आपको मिल ही जाएगा। देखिए, दूसरी ट्रिक जो है अप्लाई मोर नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स विथ डिफरेंट पैन कार्ड। लोग क्या करते हैं कि भाई अपने ही नाम से, यानी कि हमारा पैन कार्ड है, अगर जैसे मेरा नाम शुभांश है तो शुभांश नाम से मैंने 5 DMAT अकाउंट खुलवा लिए, एक शेयर खान में खुलवा लिया, एक जीरोधा में खुलवा लिया, एक 5paisa में खुलवा लिया, 5ों में खुलवा लिया। अब मैंने पांचों से अपने ही नाम पे अप्लाई कर दिया तो इससे कोई भी आपको इफेक्ट नहीं पड़ना है, चाहे आप एक अकाउंट से करें चाहे पांचों से करें, क्योंकि जो अकाउंट्स हैं वो एक ही नाम पर है, एक ही पैन कार्ड पर है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप 5 अकाउंट एक ही पैन कार्ड पर खुलवाते हैं तो वो ट्रेडिंग करने के लिए तो सही है, जैसे अलग अलग कंपनीज में भी हैं तो भी, मैं बोल रहा हूँ अलग अलग कंपनीज में भी हैं, लेकिन सेबी का जो रजिस्टर है वो तो आप एक ही नाम से है ना, पैन कार्ड तो एक ही नाम से है। तो अगर आपने 5 अकाउंट से अप्लाई कर भी दिया तब भी आपका एक ही काउंट होगा, यानी कि 4 रिजेक्ट हो जाएंगे और एक ही आपका सिलेक्ट होगा। अब इसका सही तरीका क्या है, सही तरीका यह है कि भाई आपको अपने फैमिली मेम्बर्स यानी कि एक अपने नाम पर, एक अपनी मम्मी के नाम पर, एक अपने पापा जी के नाम पर और कुछ भाई बहन या फिर आपकी वाइफ है उसके नाम पर डीमैट अकाउंट खुलवाने हैं। ऐसे आप खुलवाएंगे तो मिनिमम आपके पास 4 या 5 DMAT अकाउंट हो जाएंगे, क्योंकि 2 भाई बहन होते हैं और मम्मी पापा,
तो 3-4 डीमेट अकाउंट आपके पास हो जाएंगे। आपको चारों पांचों डीमेट अकाउंट से अप्लाई करना है। अब कितने अलॉट करना है यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको किसी ना किसी एक में अलॉट ज़रूर हो जाएगा। देखिए कभी कभी किस्मत अच्छी होती है तो 2-3 में भी अलॉट हो जाता है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा वर्स्ट केस रहा और बहुत छोटा IPO रहा, IPO का साइज़ बहुत छोटा रहा, फिर भी आपको कम से कम एक या दो उसमें अलॉट हो ही जाएगा डीमेट अकाउंट में। अब देखिए गलती आपको इसलिए यहाँ ये नहीं करना है कि अपने ही नाम से 4-5 खुलवा लिए और अपने ही नाम से 4-5 डीमेट अकाउंट से अप्लाई भी कर दिया। यहाँ पर ऐसा करने से सभी आपके रिजेक्ट हो जाएंगे, केवल और केवल जो पहले आपने किया होगा वही आपका एक्सेप्ट होगा। अब देखिए को लोगों का कन्फ्यूज़न ये भी रहता है कि भाई हम अपने नाम से 10 कंपनियों में खुला लें, ना तो भाई आप 10 खुला लो, लेकिन जहां आपका रजिस्ट्रेशन है जो NECDS जो नाम होता है शायद NCDS, उसमें तो एक ही रजिस्ट्रेशन होगा ना, वो नाम तो एक ही जाएगा ना, पेन कार्ड तो एक ही जाएगा ना, मेन तो पेन कार्ड होता है ना, और पेन कार्ड अगर एक ही लगा है 10 अकाउंट में तो एक अकाउंट माना जाएगा, ठीक है। चाहे आपकी कंपनीज अलग अलग हो, कंपनीज देखिए ब्रोकर जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन जहां हर ब्रोकर का जो सेंटर पॉइंट होता है ना वो एक ही होता है, और वहां पे एक ही पेन कार्ड अगर लगा हुआ है तो वो एक ही अकाउंट काउंट होता है। यह आपको समझने वाली बात है। देखिए तीसरा जो रूल है, तीसरा रूल नहीं है, ये आपके लिए सख्त निर्देश है कि आपको जो एप्लीकेशन लगानी है वो आपको संभल कर लगानी है। देखिए अवॉइड फ्रॉम रिजेक्शन, मतलब आपको रिजेक्शन को अवॉइड करना है। क्यों, कैसे होता है रिजेक्शन? आप मान लीजिए रिटेल कैटेगरी में आते हो, RII में, आपने NII डाल दिया, आपको याद ही नहीं रहा, आपने उल्टा सीधा भर दिया, तो फॉर्म तुरंत रिजेक्ट हो जाता है और आपके पैसे वापस तो ज़रूर आ जाते हैं, लेकिन आप डीमेट में जो IPO है उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते हो। जब आप किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे तो भाई अलॉट होने के चांसेस तो ख़त्म ही हो जाएंगे। तो सबसे मेन बात आपको सबसे पहले याद रखनी है, ये सतर्कता के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पर सतर्क रहना है और आपको ये रिजेक्शन बिल्कुल भी अवॉइड करना है, आपको रिजेक्शन से बचना है। तो ये आपके लिए 3 नियम थे, इन नियम को अगर आप फॉलो करेंगे तो अगर आपको कभी भी IPO अलॉट नहीं हुआ है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आगे आने वाले IPOs में आपको जरूर अलॉटमेंट मिलेगा, ये गारंटी है भाई। पहला नियम बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, मेरे साथ तो हुआ है। देखिए इसका कोई लॉजिक नहीं है, जो IPO का सेकेंड डे नाइट में अप्लाई करने का जो तरीका है मैं बता रहा हूं, इसका कोई भी लॉजिक नहीं है कि क्यों ऐसा होता है, बट मेरे साथ हमेशा ही ऐसा हुआ है। मैंने 6 IPOs में एप्लीकेशन लगाई है और उसमें से मुझे 4 या 5, मुझे याद नहीं है अच्छे से, 4 या 5 IPOs अलॉट भी हो गए हैं। हालांकि मैंने 2-2, 3-3 लॉट लगाए थे, लेकिन मुझे केवल और केवल एक लॉट अप्लाई हुआ है, एक लॉट एक्सेप्ट हुआ है और एक लॉट ही अलॉट हुआ है, लेकिन मुझे अलॉट हो गया, तो ये श्योरिटी है। तो भाई आपको इन नियमों को फॉलो करना है और अगर आपकी किस्मत हुई तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। देखिए 100% गारंटी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपकी अगर किस्मत अच्छी हुई तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। और आई थिंक आपको जो ये वीडियो है ये पसंद आया होगा और आपके काम का रहा होगा और आप इससे बेहतर कर पाएंगे, जो आपको अलॉट नहीं होता है शायद आपको अलॉट हो पाएंगे इन नियमों से। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।